प्यारे बच्चों, मैं विवेक कुमार मिश्र आज मैं आपको इंटरमीडिएट का दूसरा पोयम द ट्रू ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय थॉमस कैंडल पढ़ाने जा रहा हूं। यह कविता थॉमस द ट्रू ब्यूटी सच्ची सुंदरता इज कंपोज्ड बाय ग्रेट रोमांटिक पोयम थॉमस कैंडल। यह कविता पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है। आज मैं इसका सेंट्रल आइडिया आपको समझा रहा हूं, आप इसे ध्यान से समझें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो देखें और इस सेंट्रल आइडिया को लिखें, लर्न करें। सेंट्रल आइडिया को समझाने से पहले मैं आपको कविता का एप्रिसिएशन दे रहा हूं। इन दिस पोयम द पोएट थॉमस कैरियो describes physical beauty and spiritual beauty. He compares physical beauty from spiritual beauty, but he does not find physical beauty is excellent and superior. A lover loves rosy cheeks, coral lips, and star-like eyes of his beloved, but he hates her because physical beauty is fade away as the time passes away. This beauty is not permanent beauty. In the other hand, spiritual beauty is immortal beauty. Spiritual beauty is everlasting beauty. Spiritual beauty is permanent beauty. Spiritual beauty, that means loving thoughts, peaceful desires, steadfast minds, are permanent beauties. Spiritual beauty, it does not fade with the passage of time. This is the reason the poet at last expresses his inner voice and says that he loves only spiritual beauty, not physical beauty. कविता का जो appreciation था उसका हिंदी अर्थ समझें। इस कविता में कवि थॉमस कैरियो जी शारीरिक सुंदरता और आध्यात्मिक सुंदरता यानी मन की सुंदरता का वर्णन करते हैं। वह शारीरिक सुंदरता की तुलना आध्यात्मिक सुंदरता से करते हैं, लेकिन वह शारीरिक सुंदरता को उतना अच्छा और उत्तम नहीं पाते हैं, क्योंकि शारीरिक सुंदरता गुलाबी गाल, मूंगे जैसे लाल लाल होंठ, सितारों जैसी चमकती हुई आंखें, ये सब समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है, जबकि मन की सुंदरता नेक विचार, शांत इच्छाएं, दृढ़ मस्तिष्क, मन की सुंदरता कभी नहीं मरती। आदमी के मर जाने के बाद भी मन की सुंदरता नहीं मरती है। इसीलिए कवि अंत में अपनी आंतरिक इच्छा को व्यक्त करते हुए लिखता है, कहता है कि मैं केवल मन की सुंदरता से प्रेम करता हूं, तन की सुंदरता को मैं पसंद नहीं करता हूं। अब आप इस कविता द ट्रू ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया समझें और इसे लर्न करें, अपनी कॉपी पर लिखें। ध्यान दीजिए, आज मैं आपको द ट्रू ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया समझा रहा हूं, ध्यान से कंसीडर करेंगे। द ट्रू ब्यूटी सच्ची सुंदरता, सच्चा सौंदर्य इज कंपोज्ड बाय थॉमस कैरियो। सेंट्रल आइडिया मीन्स केंद्रीय भाव। का सेंट्रल आइडिया है इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। इस कविता में कवि शारीरिक सुंदरता और आध्यात्मिक सुंदरता का वर्णन करता है। ही कंपेयर्स फिजिकल ब्यूटी फ्रॉम स्पिरिचुअल ब्यूटी। वह शारीरिक सुंदरता की तुलना आध्यात्मिक सुंदरता से करता है, बट लेकिन ही डज नॉट फाइंड फिजिकल ब्यूटी इज एक्सीलेंट एंड सुपीरियर। लेकिन वह शारीरिक सुंदरता को उतना अच्छा उत्तम नहीं पाता है। फिजिकल ब्यूटी जैसे रोजी चीक्स, गुलाबी गाल, कोरल लिप्स, मूंगे जैसे लाल लाल होंठ एंड स्टार लाइक आईज, सितारों जैसी सुंदर आंखें, फेड्स विद द पासिंग ऑफ टाइम, यह समय के साथ साथ मुरझा जाती है, समाप्त हो जाती है, मिट जाती है। यानी शारीरिक सुंदरता
गुलाबी गाल, मुंगे जैसे लाल लाल होंठ और सितारों जैसी चमकती हुई आंखें समय के साथ साथ मुरझा जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, यानी शारीरिक सुंदरता नाशवान है। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी, लेकिन मन की सुंदरता, आध्यात्मिक सुंदरता, जैसे लविंग हार्ट, प्यारे प्रेम भरे विचार, स्टेड फास्ट माइंड, दृढ़ मस्तिष्क, पीसफुल डिजायर्स, शांत पूर्ण इच्छाएं, डर नॉट फेड विद द पासेस ऑफ टाइम, यह सुंदरता समय के बीतने के साथ साथ मुरझाती नहीं है। यानी आध्यात्मिक सुंदरता अमर सुंदरता होती है, अस्थायी सुंदरता। स्पिरिचुअल ब्यूटी परमानेंट ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता अस्थायी सुंदरता होती है। द पोएट लव्स ओनली स्पिरिचुअल ब्यूटी, कवि केवल आध्यात्मिक सुंदरता से प्रेम करता है, नॉट फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता से वह प्रेम नहीं करता है। एक बार फिर सेंट्रल आइडिया का हिंदी अर्थ आप समझें, ध्यान दीजिए। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी, इस कविता में कवि शारीरिक सुंदरता और आध्यात्मिक सुंदरता का वर्णन करता है। ही कंपेयर्स फिजिकल ब्यूटी फ्रॉम स्पिरिचुअल ब्यूटी, वह शारीरिक सुंदरता की तुलना आध्यात्मिक सुंदरता से करता है। बट लेकिन ही डज नॉट फाइंड फिजिकल ब्यूटी इज एक्सीलेंट एंड सुपीरियर, लेकिन वह शारीरिक सुंदरता को उतना अच्छा और उत्तम नहीं पाता है। फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता, रोजी चीक्स, गुलाबी गाल, कोरल लिप्स, मुंगे जैसे लाल लाल होंठ एंड स्टार लाइक आईज, सितारों जैसी चमकती हुई आंखें, फेड्स विद द पासेस ऑफ टाइम, यह समय के बीतने के साथ साथ मुरझा जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। दैट मीन्स शारीरिक सुंदरता नाशवान है, यह समाप्त हो जाती है। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी, लेकिन मन की सुंदरता, आध्यात्मिक सुंदरता, जैसे लविंग हार्ट्स, प्रेम भरे विचार, स्टिक फॉर माइंड, दृढ़ मस्तिष्क, पीसफुल डिजायर, शांत पूरी इच्छाएं, डज नॉट फेल विद द पासेस ऑफ टाइम, यह सुंदरता यानी आध्यात्मिक सुंदरता, दृढ़ मस्तिष्क, प्रेम भरे विचार, दृढ़ और शांत पूरी इच्छाएं, ये कभी नहीं मिलती। यानी शारीरिक सुंदरता, आध्यात्मिक सुंदरता नाशवान नहीं है, आध्यात्मिक सुंदरता अमर सुंदरता है। स्पिरिचुअल ब्यूटी परमानेंट ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता अस्थायी सुंदरता है। द पोएट लव्स ओनली स्पिरिचुअल ब्यूटी, नॉट फिजिकल ब्यूटी, कवि केवल आध्यात्मिक सुंदरता से प्रेम करता है, शारीरिक सुंदरता से वह प्रेम नहीं करता।